अस्सलाम वालेकुम बरकातु बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम मटन कटलेट बना रहे हैं। हमने आधा किलो कीमा लिया है, ब्रेड क्रम लगेगा इसमें, छह पाव लगेगा। इसको आधे ग्लास में पानी में मैंने भिगाई हूँ। वन टीस्पून कुटा भुना धनिया ली हूँ, वन टीस्पून कुटा भुना जीरा ली हूँ, वन टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ, वन टीस्पून मिर्ची का पेस्ट ली हूँ, वन टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है, वन टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। नमक स्वाद अनुसार लगेगा। बनाने का तरीका बताओ। अब सबसे पहले ये जो पाव है, पाव के ऊपर का ये हिस्सा हम निकाल लेंगे, ये वेस्ट है, इसको निकाल लेंगे और इस तरीके से इसको अच्छे से, इसका पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, अच्छे से इसको निचोड़ के हम लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल पानी नहीं है अभी इसमें, इस तरीके से सब कर कर हम निकाल के दिखाएंगे आपको ऐसे ही। अब हमने सारा पाव ऐसे निचोड़ के लिया है। अब हम एक थाला लेंगे, इसमें ये पाव डाल देंगे, पाव डालकर, और ये कीमा जो है आधा किलो ये भी डाल देंगे, डालकर पाउडर मसाला है, ये गरम मसाला है और ये काली मिर्ची की पाउडर है, ये भी डाल देंगे इसके अंदर, धनिया और जीरा भी डाल देंगे, मिर्ची का पेस्ट है वो भी डाल देंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे इसके अंदर और नमक स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरीके से ये है, अब हम इतना उठाएंगे, इतना बॉल बनाएंगे और इसको साइड में रखेंगे। ऐसे ही करके सारे बॉल हम बना के दिखाएंगे आपको। सारे बॉल बना लिए, प्लेट लेंगे, ब्रेड क्रम डालेंगे, उसके अंदर एक बॉल डालकर उसको अच्छे से कोट करेंगे ब्रेड क्रम में और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। जब तक ये सर्कल ना हो जाए तब तक प्रेस करेंगे, इसको तरीके से ही प्रेस करना है। ये बहुत टेस्टी लगता है, एक बार बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। अब हमने कटलेट सारे इस तरीके से बना दिए हैं, अब फ्राई कर देंगे इसको, अंडे में डिप करके फ्राई करना है इसको। अब हम दो बैदे लिए है, दो बैदे को फोड़ कर लेंगे। दो अंडे फोड़ के लिए है, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और पिंच ऑफ नमक डालकर इसको अच्छी तरीके से फेंट के लेंगे। अब हमने तेल गरम करने रखा है, अभी जो अंडा है अंडे में इस तरीके से डिप करेंगे अच्छे से और इसमें डाल देंगे, मिला रहे हैं इस तरीके से डिप करेंगे और इसमें सब डाल देंगे। माशाल्लाह से एक तरफ से हो गया है, सिर्फ दो मिनट, अभी इसको हम पलट देंगे। पलट कर इसको भी दो मिनट हम फ्राई करके लेंगे। माशाल्लाह से फ्राई हो गया है तीन मिनट में, अभी इसको हम निकाल लेंगे और डिश आउट करके आपको बताते हैं। मटन कटलेट बनकर रेडी है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ ताकि रोज की नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।